ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मातरे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री गणेश चतुर्थी आ रही है। गणेश चतुर्थी जो है वो 7 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक है। इन 10 दिनों में हम श्री महागणपति जो ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या के श्री विद्या की प्रथम दीक्षा श्री विद्या की प्रथम क्रम दीक्षा में जिनका प्रथम स्थान है, जिनके बिना श्री विद्या की शुरुआत भी नहीं होती, ललिता त्रिपुर सुंदरी के पुत्र श्री महागणपति के जो 10 अवतार है, 10 रूप है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार्ट दिया है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये जो गणपति है महागणपति के रूप अथवा अवतार, जिसमें पहले नागतांग गणपति है, शिशुतांग गणपति है, दारियांशक गणपति है, कंकुल्य यानी काल चक्र गणपति उन्हें कहा जाता है, साष्टांग गणपति, शिशांश गणपति, सशांश गणपति, कांशीयान गणपति, श्री सुकांत गणपति और महुंग गणपति और 11वें श्री महागणपति। पूरे ये जो गणपति है, जो महागणपति के अवतार अथवा 10 रूप है, इनके बारे में ये जो 10 दिन है गणेश चतुर्थी के, इसमें एक एक दिन ये अनोखी जानकारी, ये गणपति करते क्या है, इनका इंट्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा हम आर्टिकल के द्वारा आपके सामने पब्लिश करेंगे। जिनको ये नॉलेज लेना है, आगे अपने ज्ञान में वृद्धि करनी है, एक महाविद्या को समझ के लेना है, तो हमारे जो ग्रुप से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आर्टिकल पब्लिश हो गए, उन सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, अथवा मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर ऐड कर दूंगा। तो ये विशेष जानकारी। इसके बाद और एक विशेष जानकारी मित्रों, हमारा श्री बगलामुखी इसेंशियल कोर्स ये ओपन हो चुका है, और श्री बगलामुखी इसेंशियल कोर्स के साथ मुझे अत्यधिक आनंद हो रहा है कि बगलामुखी साधना श्री विद्यापीठम द्वारा जल्द ही ओपन हो जाएगी। उसका कार्य जो है वो अंतिम स्टेज में है। श्री बगलामुखी इसेंशियल, आज तक हमने आपको श्री विद्या इसेंशियल, एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, ये नॉलेज बेस्ड कोर्स दिए। ये जो नॉलेज बेस्ड कोर्स है, इसकी जानकारी पूरे विश्व में आज तक कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। किसी भी कितना भी बड़ा संस्था हो, ट्रस्ट हो, कितना भी गुरु कोई भी गुरु हो जो दीक्षाएं देता है, उसके पास भी इसेंशियल नॉलेज का नॉलेज नहीं है मित्रों। ना श्री विद्या के बारे में सखोल नॉलेज है, ना कालीकुल श्री विद्या में सखोल नॉलेज है। तो उसी प्रकार से बगलामुखी इसेंशियल, श्री बगलामुखी पीताम्बरा जी ने कहा जाता है, उनके बारे में आवश्यक उतनी जानकारी ना किताबों में है, ना वेबसाइट पर उपलब्ध है, ना कहीं पर भी उपलब्ध है। उन्हें सिर्फ पीताम्बरा, शत्रु विनाश करने वाली, पॉलिटिकल लोग या कोर्ट कचहरी के लिए उतना ही जानते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र विद्या, स्तंभन विद्या, पंचास्त्र विद्या इतना ही जानते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं क्या सच में ब्रह्मास्त्र ये है क्या? सच में पंचास्त्र नाम के कोई बाण है या पंचास्त्र कोई जलपुत्री है? ब्रह्म महाअस्त्र और महाब्रह्मास्त्र, इनका फर्क क्या है? पीताम्बरा उन्हें क्यों कहा जाता है? क्या भगवान विष्णु ने मूल आदि माया बगलामुखी की साधना की, या ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उन्हें अपनी बगलामुखी दी थी? बहुत सारे विषय जो है ना कहीं पर भी लिखे नहीं गए हैं, सिर्फ भ्रामक कल्पनाएं आगे बढ़ी है। श्री बगलामुखी इसेंशियल इस कोर्स में हमने टोटल नॉलेज दिया है, तो उसका भी जो कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज का लिंक दिया गया है, और मुझे ये भी खुशी हो रही है कि मैं आपको ये हमारा बगलामुखी महाविद्या का जो कोर्स है, साधना बगलामुखी का, तर्पण, अभिषेक, यंत्र पूजन, वो भी हम आगे सिखा रहे हैं। तो ये जो 3 बुक्स है, इसमें ये पहला बगलामुखी का तर्पण है, सिर्फ ये बगलामुखी का अभिषेक है, और ये बगलामुखी का जो है यंत्र पूजन है। इसमें हमने प्रॉपर आपको बताता हूं इस प्रकार से पूरा यंत्र की आवरण पूजा किस प्रकार से करनी है, ये टोटल सिखाया हुआ है। ये 1.5 घंटे की पूरी विधि है यंत्र पूजन और अभिषेक। और ये जो विधि है, ये जो बगलामुखी की साधना है, भारत में क्या,
भारत के किसी इलाके में कहीं जगह पे पूरे विश्व में बगलामुखी की साधना प्रॉपरली आज तक किसी ने कहीं पर भी नहीं सिखाई है। सारे जगह पर बगलामुखी के नाम से आपको यंत्र दे देते हैं और सिर्फ मंत्र ले लो, जाप कर लो, हो गया, यही बताते। अब ये भी जो प्रोसेस है वो भी अंतिम स्टेज में प्रोसेस है। तो बगलामुखी इसेंशियल कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, और जिनको भी श्री विद्या के लिए शुरुआत करनी है तो महागणपति साधना है श्री विद्या का पहला स्टेज। जिनको कुल देवी की साधना के लिए शुरुआत करनी है तो वो सिद्ध कुंजी का साधना के लिए भी शुरुआत कर सकते हैं, और जिन्हें बगलामुखी की साधना के लिए शुरुआत करनी है तो वो बगलामुखी इसेंशियल के साथ बगलामुखी के फर्स्ट स्टेज हरिद्रा गणपति की साधना के लिए भी शुरुआत कर सकते हैं। तो इस सारे कोर्सेज के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, और आज के दिन दोनों कोर्सेज की मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आपके सामने ओपन कर रहा हूं। तो इन सारी चीजों का आप लाभ ले लीजिए, विषयों का लाभ ले लीजिए, ज्ञान की वृद्धि कर लीजिए, और श्री गणेश चतुर्थी के इस विशेष अवसर पर ये जो पूरे के पूरे महागणपति के 10 रूप है इनका भी ज्ञान आप ले लीजिए। हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है, आपको नहीं लिंक मिले तो मुझे आप मैसेज कर लीजिए मित्रों। धन्यवाद।